नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी हिंदी फिल्मों का एक मशहूर डायलॉग हुआ करता था, बॉन्ड बॉन्ड नाम है मेरा। ये फिल्में पश्चिम के बहुत प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के आधार पर बनी थी, जो कि एक बड़ा खुफिया जासूस था। इधर बॉन्ड नाम ने हमारी राजनीति में भी धूम मचा रखी है। हुआ ये कि हफिंगटन पोस्ट नाम की साइट ने लगातार 5 कड़ियों वाली एक श्रृंखला छापनी शुरू कर दी है, जिसके आधार पर उन्होंने एक विसल ब्लोअर श्री कमोडोर लोकेश बत्रा के हवाले से, जिन्होंने आरटीआई से जानकारियां सीधे सरकार से प्राप्त की थी, उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि चुनावी बॉन्डों के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा है जो सवालिया निशान लगाता है। इन दिनों संसद का शीत सत्र जारी है। पहली चीज़ तो उनका ये कहना है कि ये जो बिल मनी बिल के तहत इसको ला करके चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उसकी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए ये सीधे लोकसभा से पास कराया गया। इसको लेके तब भी विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब ये बात इतनी अपारदर्शी बन चुकी है, क्योंकि इस बिल के तहत कोई भी पार्टी ये नहीं बताएगी कि उसको कितना पैसा मिला और किसने उसको ये पैसा दिया। लोगों को 1,000 से लेके 1 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की इजाज़त है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो ख़रीद सकते हैं, और इन चुनावी बॉन्डों को वो अपनी मनपसंद पार्टी को दे सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अमूमन ये होता है कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नज़रिए से इलेक्शन कमीशन भी और रिज़र्व बैंक भी दोनों इस पर कड़ी निगाह रखते हैं। इस श्रृंखला ने ये धीरे धीरे उजागर किया है कि ये जो नई नई विंडोज़ खोली गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इनके खोलने में भी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गईं, विसंगतियाँ पाई गईं। चुनावों से ठीक पहले ये खोली गईं, इनके लिए 10 दिन का समय दिया गया कि 10 दिन तक आप खरीद सकते हैं, लेकिन मनमाने तरीके से कई मामलों में इसे 15 दिन तक बढ़ा दिया गया। बात को वो फिर 10 दिन कर दिया गया, लेकिन उन 15 दिनों में जितनी खरीद बिक्री हुई थी वो जायज़ मान ली गई, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था कि किसने ख़रीदा और किसके लिए ख़रीदा, पैसा किसको मिला। विसल ब्लोअर महोदय ने उजागर किया है कि जो पैसा आया था चुनावी बॉन्ड के मार्फत, उसके जो बॉन्ड थे उनके कोनों में कुछ गुप्त नंबर छपे हुए थे, जिनको अल्ट्रावायलेट रेस के तहत स्टेट बैंक जांच कर सकता था और उसका वो हिसाब किताब रख सकता था। ये ज़रूरी नहीं था कि स्टेट बैंक की जानकारी किसी को दे, नए बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक प्रावधान चुपके से इसमें ये डाल दिया गया था कि अगर जांच एजेंसियां चाहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे करके उन बिलों की जाँच कर सकती हैं। यानी कि एक खिड़की यहाँ पर भी खोल दी गई कि अगर सरकार के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी की पड़ताल करना चाहे या ये जानना चाहे कि सत्ता पक्ष को कितने बॉन्ड गए और विपक्षियों को कितने, तो उनको पूरा पता करने का हक है। ये एक तरह से जनता के सूचनाधिकार का तो हनन है ही, ये चुनावी बॉन्डों को अपारदर्शी बनाता है। और जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने 3-3 पत्रों में लिखा कि इससे नोटों का महत्व कम हो जाएगा, काला धन जिसे कि आप कह रहे हैं वो जनता के बीच कैश के लेन देन पर आधारित है, और अगर उस धन को निचोड़ा जाएगा, बड़े लोगों के पास कैश नहीं है, लेकिन अगर ये धन निचोड़ा जाएगा तो इससे होगा ये कि बहुत बड़ी मात्रा में नोट वाइट मनी में तब्दील होकर के जायज़ बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने आगाह किया था। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन के भी कुछ ऐसे पत्र और नोटिस उजागर हुए हैं जिनके अनुसार ये नहीं किया जाना था, क्योंकि ये अपारदर्शिता एक तरह से असंतुलित मैदान तैयार करती है सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के लिए। उनका ये भी कहना था कि जो बहुत छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी पार्टियों मालामाल हो जाएंगी और छोटी पार्टियों को कोई पैसा नहीं देगा। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा विषय है जिस पर संसद में गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है इस वक्त,
और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र के हित में इससे जो ब्यौरे निकलेंगे वो आपके हमारे सबके सामने लाए जाएंगे और ये साफ पता चलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में क्या अंकित है, क्या क्या बदकही, क्या क्या पत्राचार मंत्रालयों के बीच में हुआ, किसने आपत्तियाँ उठाईं, किसने आपत्तियाँ रद्द की वगैरह। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर तक सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तक जो ब्यौरे सामने आए हैं, अधिकृत लोगों ने ये बयान दिया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलजुल कर सरकार बनाने के पक्ष में हैं। इनके पास लगभग बराबर बराबर सीटें हैं, जिनको कुल मिला करके उनके पास सरकार बनाने लायक बहुमत हो जाता है। इस सारे काम की अगुवाई एक मजे हुए राजनेता शरद पवार के हाथों में है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके तहत इस बात पर लगभग सहमति बन गई है कि इसके मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे होंगे। उद्धव ठाकरे के विश्वस्त लोगों का कहना है कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी और वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। खैर, ये फाइन ट्यूनिंग तो होनी बाकी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में इतने दिनों के बाद सरकार बन जाती है, इससे जनता का निश्चय ही भला होगा और वो एक अपयश की और एक अजीब सी जो धुंध छाई हुई है वो हटेगी। इसमें एक महीन संकेत सत्ता पक्ष के लिए भी जाता है कि अत्यधिक अहंकार अपने साथियों के, पुराने साथियों के साथ मनमुटाव पैदा करा सकता है। शिवसेना और भाजपा की युति तो बहुत ही पुरानी थी, बाला साहब ठाकरे के ज़माने से चली आ रही थी। इस युति का इस तरह से टूटना एक गंभीर संकेत है। तीसरी खबर थोड़ी मज़ेदार है। संसद में बातें होती रहती हैं, सांसद लोग बाहर आकर के भी मीडिया में बातें करते हैं। अभी मथुरा की काफ़ी अरसे से सांसद रही एक श्रीमती हेमा मालिनी ने, जो एक जानी मानी अभिनेत्री भी हैं, संसद के भीतर और बाहर इस चीज़ पर चिंता व्यक्त की कि वृंदावन में, जो कि उनके चुनाव क्षेत्र में आता है, बंदरों ने आतंक मचा रखा है। सरेआम वो चलते लोगों पर हमला करते हैं, उनको घायल कर देते हैं। इसके अलावा उनको शहर में रहने का स्वाद लग गया है, इसलिए वो जंगल भेजे जाते हैं तो फिर शहर लौट आते हैं, क्योंकि उनको समोसा और फ्रूटी चाहिए। उन्होंने कहा ये दोनों ही पदार्थ बंदरों के लिए घातक हो सकते हैं और ये सलाह दी कि जंगलों में फलदार अच्छे पेड़ लगवाए जाएं ताकि मीठे मीठे फल खाने के लिए बंदर वहाँ जा सकें। अब ये अपने आप में कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सतही तरीके से एक बहुत गंभीर विषय को देख रही है। हुआ ये है कि हमारे यहाँ तेज़ी से जंगल कटे हैं और जानवर बेघर हुए हैं। बेघर जानवर जिनमें हाथी से लेकर बंदर तक सब शामिल हैं, अब सीधे मोहल्लों पर हमला कर रहे हैं। और जब वो आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, आप जानते हैं बंदर झुंड में घूमते हैं, छोटे बच्चे भी साथ में रखते हैं और उनको जो घरों के अंदर मिल जाए उसको वो खा लेते हैं। इनके दल के दल जहाँ जाते हैं वहाँ पर शामत आ जाती है। अब बंदरों को हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र माना गया है, उनको हनुमान का वंशज माना गया है, इसलिए जो धर्म प्रवण लोग हैं खासकर वृंदावन जैसे नगरों में, वो उन पर हाथ उठाना भी गलत मानते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि जानवरों को फिर से जंगलों में कैसे वापस भेजा जाए ताकि उनकी वापसी ना हो। पहली चीज़ तो उनके लिए अभयारण्य बनाने होंगे, ऐसी जगहें बनानी होंगी जहाँ उनका शिकार न हो, उनको पकड़ने के लिए लोग न जाएं। हम सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर उन पर प्रयोग किए जाते हैं, कुछ तरह की चीनी दवाइयाँ बनाने में भी उनके शरीर का इस्तेमाल होता है, इसलिए डर के मारे भी ये अधिक कटखने और आक्रामक होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। बेहतर हो सांसद महोदय उनसे संपर्क करें, उनको संरक्षण दें, उनको मदद दें, आर्थिक मदद दें, ताकि वो अपने काम को ठीक से अंजाम दे सकें। बात को सिर्फ समोसे या फ्रूटी तक सीमित करके देखना एक तरह का अहंकार दर्शाता है जो किसी बड़े व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। अंत में हम आते हैं पर्यावरण से ही जुड़ी दूसरी खबर से। ये बताया गया है कि धीरे धीरे दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण फिर बढ़ रहा है, क्योंकि फिर से परालियाँ जलाई जा रही हैं और इसके साथ ही हवा का रुख भी बदल रहा है। इससे संसद में भी खलबली मची है, क्योंकि जब अपने पर पड़ती है तब आदमी को हर कील गढ़ती है, और इसलिए संसद में पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के एक तरह का सिलसिला चालू हो गया है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, आरोप प्रत्यारोप हैं,
हरियाणा कहता है पंजाब से कहिए, पंजाब कहता है यूपी से कहिए, यूपी कहता है दिल्ली से कहिए, और कुल मिलाकर के बात जहाँ की तहाँ रह जाती है। इसी बीच एक दहलाने वाली खबर ये है कि राजस्थान की सांभर झील, जो खारे पानी की एक बहुत बड़ी झील है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी पंछी आया करते थे। इस बार लाखों पंछी वहाँ पर अचानक मरे हुए पाए गए। अभी अभी बरेली स्थित इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने इन मृत पक्षियों की पड़ताल की, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ये पता किया है कि इन चिड़ियों को बोट्यूलिज्म नाम के जहर का शिकार होना पड़ा। ये बोट्यूलिज्म जो है, जो इसके बैक्टीरिया हैं, वो एक सड़ती हुई झील के लक्षण हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिसमें तरह तरह के मिनरल्स आ गए हैं जो घातक हैं, और इस तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जिसको अगर पंछी मुँह में ले लेते हैं तो तुरंत दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत संगीन मामला है, क्योंकि जल स्रोतों का प्रदूषण, वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि लाखों पक्षी मर जाएं, हमारे लिए बहुत बड़े खतरे का द्योतक है। उम्मीद है इस पर गहराई से सोचा जाएगा और बात को हवा हवाई तरीके से नहीं उड़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज का हम बुलेटिन समाप्त करते हैं। अगली बार फिर आपसे नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।